इंदौर नगर निगम ने बदलते शहर की परिकल्पना करने के साथ साथ महापुरुषों की प्रतिमाओं को नया स्थान देने के लिए योजना पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले भगत सिंह की प्रतिमा से की गई। देखिए रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी की तरफ कदम बढ़ा रहा इंदौर शहर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था और आम इंसान के सफर को सुगम बनाने के लिए शहर के जिम्मेदारों ने कई सौगातें भी सोच रखी हैं, लेकिन इन सौगातों को अमल में लाने के लिए निगम को कई कड़े कदम भी उठाना पड़ रहे हैं, जिसमें से एक है महापुरुषों की सालों से लगी प्रतिमाओं को उनके स्थान से हटाना। इसी कड़ी में राजमहल्ला चौराहे पर लगी भगत सिंह की प्रतिमा को निगम प्रशासन ने पूरी सावधानी के साथ प्रतिमा को विस्थापित करने का काम किया। मूर्ति के विस्थापन के दौरान सिख समाज के लोगों ने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का दूध से अभिषेक किया। इसके बाद प्रतिमा को दूसरे स्थान पर स्थापित किया। इस दौरान निगम MIC सदस्य ने बताया कि सिख समाज से चर्चा करने के बाद पूरे विधि विधान के साथ प्रतिमा को हटाया गया। ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो रोड बन रहा है वाला, ये गंगवाल से रामबाग जो पेट्रोल पंप है वहाँ तक का स्मार्ट सिटी में रोड का निर्माण हो रहा है। अब ये रोड का निर्माण गंगवाल से और जो हमारा वर्कशॉप है नगर निगम का वहाँ तक हो चुका है। इसके अंतर्गत 3 चौराहे हैं हमारे, गंगवाल चौराहा, एक भगत सिंह प्रतिमा चौराहा और एक बड़े गणपति का चौराहा। तीनों चौराहे पर 3 प्रतिमा है महापुरुषों की, तो उसमें से सुभाष जो प्रतिमा है वो हमने शिफ्ट कर दी वहाँ पर। और आज ये भगत सिंह प्रतिमा का जो शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है वो सिख समाज से बिल्कुल उनको तालमेल बिठा के संपर्क करके उनसे बातचीत करके और विधि विधान से अरदास वगैरह जो होती है समाज में वो उसको पूरा करके समाज के सारे लोग यहाँ पर आज वहाँ के इंदौर के अध्यक्ष और सचिव सभी पूरे समाज यहाँ मौजूद है, उनके साथ मिलकर ये विधि विधान से भगत सिंह जी की प्रतिमा जो रोड में पहले जहाँ रोड बना है तो पहले वो सेंट्रल में थी, परंतु रोड का जब ये चौड़ीकरण हुआ तो उसका सेंट्रल बिगड़ गया, तो उसको हम एक जहाँ व्यवस्थित स्थान पर कि बार बार हटाना नहीं पड़े उसको, और एक अच्छी जगह पर उसको शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ पर बढ़िया हम रोटरी बना रहे हैं, आइलैंड बना रहे हैं और सुंदर सा बगीचा उसके आसपास बनेगा और उसका आज शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है। वहीं सिख समाज के अध्यक्ष रिंकू भाटिया ने शहर के विकास के हित में प्रतिमा को हटवाना उचित बताया और पूरे सिख समाज ने अरदास के बाद प्रतिमा हटवाने में सहयोग दिया। नहीं, अब शहर के विकास को देखते हुए जो रोड का चौड़ीकरण हुआ है और ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, तो शहर के विकास को हित को देखते हुए सिख समाज और नगर निगम ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि बीच की प्रतिमा सभी हटेंगी, भगत सिंह जी की नहीं, जो भी आगे लगी हैं प्रतिमाएं सभी को साइड में शिफ्ट किया जाएगा और बढ़िया रोटरी बनाई जाएगी, तो उसमें हमारे समाज की भी सहमति है, तो अरदास करके विधि विधान से इसको अभी शिफ्ट कर देंगे और अपना प्रतिमा का यहाँ पर प्रतिमा आ जाएगी और सड़क का भी यहाँ पर जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगा। प्रतिमा विस्थापन के मौके पर भाजपा विधायक सुदर्शन गुप्ता, निगम के कई अधिकारी सहित कई लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।